हेलो बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र। यहाँ पे आज हम क्लास 9th के लेक्चर 3 में बात करेंगे हाउ टू नो दैट द गिवेन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। मतलब कि हम किसी भी नंबर को बिना डिवाइड करे ये कैसे बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों, पहले तो आप लोग ये बताइए कि जब हमने बताया था, हमारे जो दो लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने टर्मिनेटिंग का मतलब बताया था, तो उसका मतलब क्या होता है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो टर्मिनेटिंग होता है उसका मतलब होता है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो अब हमको यहाँ पे बिना डिवाइड करे ये बताना होगा कि जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए, अब हम उस चीज़ को कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो अगर इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन और अ रेशनल नंबर इज इन दी फॉर्म ऑफ टू की पावर एम और फाइव की पावर एन और बोथ टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन, देन द नंबर इज टर्मिनेटिंग। मतलब कि बच्चों, अगर हमारा जो भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर है, मतलब कि जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ठीक, तो उसमें जो डिनोमिनेटर है उसकी जो फॉर्म है, मतलब वो अगर कुछ भी टू की पावर एम या फाइव की पावर एन या बोथ, मतलब कि टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन के फॉर्म में है, तो हम ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, एक जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 17/64। अब हमको बताना है ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक, तो हम क्या करें, हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 64 को। अगर हम 64 का क्या करें बच्चों, फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन, ठीक, फैक्टराइजेशन वो भी कैसा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम 64 को ब्रेक करें तो बेटा क्या होगा, 2, फिर आएगा बच्चों कितना, 32, 2, फिर आएगा 16, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करें 8, फिर 2 से करें आ जाएगा कितना बच्चों, 4, 2 से करेंगे 2, फिर 2, 1। तो ये बेटा देखिए, ये हो गया 2 की पावर कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6। मतलब कि हम 17/64 को बच्चों लिख सकते हैं 17/2 की पावर 6। अभी हमने क्या कहा कि जो डिनोमिनेटर है अगर वो 2 की पावर m में है, तो 2 की पावर m का मतलब हो गया 2 की पावर 6 में है। पावर कुछ भी हो, 2 की पावर 6 हो, 2 की पावर 5 हो, कुछ भी हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, ऐसे को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 7/9। ठीक, अगर बच्चों हम 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 9 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 9 को अगर हम करेंगे तो 3, 3, 3। अब यहां पे बच्चों हम 7/9 को लिख सकते हैं 7/3 की पावर 2। क्या कहीं पे भी हमने ऐसा बोला कि उसके डिनोमिनेटर में 3 की पावर में कुछ हो तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा? नहीं बोला। मतलब कि ये नंबर
नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो 2 या 5 की पावर में नहीं है, ठीक। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया 3 अपॉन 3 नहीं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 अपॉन 36। अब अगर हम 36 का फैक्टर करें बच्चों, तो ये हो जाएगा 36 को 2 से डिवाइड किया 18, 2 से किया 9, 3 3 3 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो 7 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो अब आप यहाँ पे देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या है, 2 की पावर तो आ रही है, बट साथ ही साथ में कौन आ रहा है, 3 की पावर भी। और हमने क्या बोला था, या तो 2 की पावर हो केवल, या केवल 5 की पावर हो, या दोनों में 2 और 5 की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 के साथ अगर कोई और नंबर आता है तो वो केवल 5 में ही होना चाहिए, ना कि कोई अदर नंबर। तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। 2 की पावर थी बट यहाँ पे इंटू में या तो 5 की पावर होती, ठीक, यहाँ पे 3 की पावर होगी तो हम उसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3 अपॉन 100 ले लें अगर, अगर हम 100 को बेटा फैक्टर करें तो 100 के लिए आएगा 2 से 50, 2 से 25, 5 5 5। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं बेटा 3 अपॉन 2 की पावर 2 देन 5 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं 2 की पावर है और 5 की पावर है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पावर दोनों की सेम हो, पावर डिफरेंट हो सकती है, बट जो फॉर्मेट होना चाहिए वो 2 की पावर में और 5 की ही पावर में होना चाहिए। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक, कोई दिक्कत। तो आई थिंक कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उनको हम कैसे लिखेंगे ये भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है किस तरीके से, कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक। तो यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है 5 अपॉन 32, सेकेंड पार्ट है 11 बाई 24, थर्ड पार्ट है 27 अपॉन 80 एंड फोर्थ पार्ट है 16 अपॉन 125, ठीक। तो अब हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे देखते हैं। तो पहले पार्ट को लेते हैं, तो पहला पार्ट है बच्चों 5 अपॉन 32, ठीक। तो हम बेटा डिनोमिनेटर में जो 32 दे रखा है हम उसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने 32 को ब्रेक किया तो हो गया 2 16, 2 8, 2 4, फिर 2 से करा 2 आया, फिर 2 से किया 1। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, हेयर द प्राइम फैक्टर ऑफ 32 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5, ठीक। देयरफॉर द डिनोमिनेटर नेटर ऑफ 5 अपॉन 32 इज इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर m या n, आप बोल सकते हो कुछ भी। सो 5 अपॉन 32 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप चाहे इसको 5 को 32 से डिवाइड करिएगा तो देखिएगा वो नंबर पॉइंट के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल होके आ जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जो कि है 11 अपॉन 24। अब यहां पे हम 24 का फैक्टर करेंगे,
24 का फैक्टर किया तो हमको मिला 2 2 2 इंटू 3, तीन लोग मिले। तो अब देखिए, अब हम इसको कैसे लिखेंगे। हेयर द प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक, तो यहां हम बताएंगे देयरफॉर द डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ 11/24 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टू की पावर एम और 5 की पावर m और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। सो 11/24 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक, इजी है, बस लैंग्वेज कैसे लिखनी है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, जो कि है 27/80। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारा 27/80। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, 80 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे हेयर द प्राइम फैक्टर ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी होगी बच्चों, 4 इंटू 5। ठीक, तो यहाँ पे हम बताएंगे देयरफॉर द डिनोमिनेटर ऑफ 27/80 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर n। सो 27/80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों? और अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है बच्चों 16/125। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 125 को बच्चों ब्रेक करेंगे, तो ये जाएगा 5 से आएगा 25, 5 से 5 5 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हेयर द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3, देयरफॉर द डिनोमिनेटर ऑफ 16/125 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n। ठीक, n m आप कुछ भी लिख सकते हो। सो 16/125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, कोई दिक्कत? आई थिंक कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही ईजी हैं, बस जो स्टार्टिंग में बताया उनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी, ये सब चीज़ें आप पहले भी करके आ चुके हो जो अब हम बताने जा रहे हैं। कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू अ डेसिमल नंबर, तो हमको इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पहला नंबर उठा लेते हैं जो कि है 5/8। अब भैया 5/8 को डेसिमल में लाना है तो हम क्या करेंगे, वही जो हम लोग पहले छोटे से करते आ रहे हैं, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 से कटेगा नहीं क्योंकि जो 8 है वो बड़ा नंबर है, मतलब जो डिवाइड कर रहा है वो बड़ा है, ठीक। तो उसको डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, पहले जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको बड़ा करें, तो डेसिमल अगर लगा दें तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। अब ये 50 हो गया और ये 8, अब ये डिवाइड कर देगा कितनी बार में बेटा, डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा 6 टाइम्स में 48। तो यहाँ पे हमको कितना मिला बच्चों, 2। डेसिमल लगा हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा, तो 2 बार में डिवाइड करेगा, ये आएगा 16, ठीक। फिर बचा 4 हमारे पास, डेसिमल लगा है 0, कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स में, ठीक। तो हमारे पास 5/8 का जो डेसिमल फॉर्म आया 0.6255 आया, ठीक, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही हमको इसको सॉल्व करना होगा, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक। और फोर्थ पार्ट जो है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, फोर्थ पार्ट है 2 होल 5/12। तो ये बेटा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम इसको पहले अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो 2 इंटू 12 दैट इज 24, 24 + 5 दैट इज 29/12। अब जब हम इसको 29 को बच्चों डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये आएगा 2 टाइम्स में 24, यहाँ बचा 5, डेसिमल लगाएंगे तो 0 हो गया, ये आ गया बेटा 4 टाइम्स में 48, 2 बच गया यहाँ पे, डेसिमल लगा है फिर 0, 1 टाइम्स में बच्चों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12। फिर आया बच्चों 8, डेसिमल लगा है 0, कितना आ गया बच्चों ये यहाँ पे, अब ये कटेगा कितनी बार में, 6 बार में 72। फिर कितना आ गया 8, फिर डेसिमल लगाया हुआ है तो 0, अब ये बार बार क्या होगा बच्चों, 6 रिपीट करने लग जाएगा, हम देख रहे हैं, ठीक। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 29/12 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2.4166। अब ये डेसिमल रिपीट होने लग गया, हमने बोला था जब कोई नंबर रिपीट होने लग जाता है तो हम उसके लिए क्या लगा देते हैं बच्चों, बार। तो 2.416 पे हम लगा देंगे बच्चों बार, ठीक, कोई दिक्कत। कोई भी दिक्कत हो आप लोग तुरंत ही मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करिए, ठीक। तो वहाँ पे मैं आपकी डाउट्स को क्लियर भी कर दूंगा, या मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके अपने डाउट्स को वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, बाकी आप इन दो क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लीजिएगा, सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको आप लोग लगा भी चुके हो, बट एक बार फिर से हम इसको ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा था वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में पढ़ा था बच्चों, ये डायरेक्टली नंबर है। हमसे कह रहा है कि इंसर्ट करो 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमको अब 3 और 4 के बीच में क्या करने हैं, 4 रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो वही बात है बेटा, हमारे पास ए की वैल्यू हमने मान ली 3 है, बी की वैल्यू मान ली 4 है। हमने बोला था जब भी एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक।
जो हमने बोला था सेकंड मेथड हम लगाते हैं जहां पर डिफरेंस का काम होता है, तो डी बराबर होता है बेटा बी, एन बराबर है हमारे पास 4, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक, तो बच्चों बी की वैल्यू है 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो डी आ गया हमारे पास। ठीक, तो अब डी को जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 5, और अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.02। तो अब हमने याद करिए बताया था कि हमारे पास ये दो नंबर हैं ए और बी, इसके हम इसके बीच में हमको चार नंबर लाने हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, देन ए प्लस 4D। ठीक, तो अब देखिए ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 3। 3 में हमने जब 0.2 जोड़ा तो आ गया 3.2, फिर 2 को D से मल्टीप्लाई किया, 2 से D को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3.4, फिर हो गया 3.6, फिर हो गया 3.8, और ये हमारा लास्ट नंबर 4। तो हमारे पास देखिए चार नंबर आ गए जो हमने इंसर्ट करने थे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक, वहाँ पे हम समझेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है रेशनलाइजेशन प्रोसेस का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, और जो पीछे के दो क्वेश्चंस हैं उनको बच्चों लगाना आप लोग ना भूलिएगा, और कोई भी डाउट लगे तो आप लोग मेरे को पूछ लीजिएगा कि क्या इसमें हम कैसे इसको समझें या क्या चीज़ हमको करनी पड़ेगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।